देख सकते हो गाइस कितनी बड़ी प्रतिमा है। गाइस जैसे कि आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि मतलब जो मेरे पीछे गणेश जी देख रहे हैं, और जस्ट उसके सामने ही एक गणेश जी बिठाए गए जिसको मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। तो एक ही लाइन में गाइस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक ही लाइन में गणेश जी बिठाए गए लाइन से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज शाम के अभी 7:30 बजने वाले हैं, और गाइज आप सबको पैर से गुड इवनिंग। तो गाइज आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। और गाइज अभी जो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख रहे हो तो वो पक्की बात होने वाली है, तो गाइज बने रहे हमारे ब्लॉग में। और देख सकते हो गाइज मौसम कितना शानदार हो रखा है। तो चलिए गाइज आज का जो ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और गाइज मैं 2 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंटेंट अच्छा नहीं लगा इसलिए। तो चलिए गाइस आज अपन जाने वाले हैं सूरत घूमने के लिए, और नाइट में जो व्यू होता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते ब्लॉग को कंटिन्यू। इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति देख सकते हो आप, ये अपना दूसरा गणेश जी है, और सब लोग शूट कर रहे हैं अपने यहाँ पर, और भैया बैठे मोबाइल चलाते देख सकते हो गाइस। तो चलिए चलते दूसरे गणेश जी के पास, और पगारी जी खड़े अपने वहाँ पे। इतनी बड़ी प्रतिमा है, सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। चार जो गणपति बप्पा थे उनका दर्शन कर लिया है, तो अभी जो बड़े बड़े सबसे ज्यादा बड़े गणेश जी हैं उनके पास हम लोग जा रहे हैं, और कहानी देखते हैं आगे जाकर के कब मिलेंगे अपने को गणेश जी का दर्शन। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गाइस आज है संडे, और संडे की सबको छुट्टी होती है। तो गाइस आज मेरे ख्याल से सब लोग घूमने के लिए निकले हुए है सहारा दरवाजा, और देखते हैं सहारा दरवाजा की जो प्रतिमा है कितनी बड़ी है। और ऊपर से देख सकते हो कि ट्रेन जा रही है कोयले वाली, कितना अच्छा लग रहा है। देखो गाइस इधर ट्रेन का देख सकते हो, और ये ब्रिज है गाइस, ये जो है इस ब्रिज से भी जा सकते हैं अपन, पर अपन नहीं गए। तो चलिए देखते हैं आगे। देख सकते सहारा दरवाजा की, देख सकते सहारा के सरकार, ज़्यादा दूर नहीं यहीं पे जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, इसके बगल में ही बिठाई गई प्रतिमाएं। तो अपन देखते हैं वहाँ पर कितनी बड़ी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने शायद शॉर्ट ब्लॉग में दिखाया होगा, तो ये भी सहारा दरवाजा का ही मतलब महाराज है जो उन्होंने मतलब लिखा हुआ है। तो देख सकते हो ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट शूट करके आगे देख रहे हैं, आगे जाते हैं अभी। गाइस जैसे कि हम लोग अभी तो पहुंच चुके आधे में, बहुत सी अभी मूर्तियाँ हम लोगों ने देख ली है, अभी देखते हैं आगे जाकर कौन सी अच्छी अच्छी मूर्ति होगी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे ब्लॉग में, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है गाइस आज, क्योंकि ये इस ब्लॉग के लिए मैंने बहुत दिनों का इंतजार करा था, तब जाकर मैं शूट कर पा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी अभी प्रतिमा आपको अपन को देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। इतने इतने से बंदे दिख रहे हैं गाइस, सब पब्लिक देख रही है, ज़बरदस्त लग रहा है, सब लोग इसी प्रतिमा को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 30 फीट होगी मेरे ख्याल से, बाकी मेरे को पता नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हो। तो देख सकते हो कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई देखने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट गणेश जी का दर्शन करते हैं, अपन यहाँ से निकलते हैं। सबसे बड़ी ज़्यादा लाइन है तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, लाइन में खड़ा होने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए। वहाँ पर मेरे को मतलब लाइन में नहीं खड़ा होना है क्योंकि मेरे को जॉब पे भी जाना है गाइस, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नाइट में मैं ड्यूटी करता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो नेक्स्ट गणपति जी जो है उनको देखने जा रहे,
अच्छा ये उठा के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो गाइस गणेश जी की मूर्ति कितनी बड़ी, दूर से ही इतनी बड़ी लग रही है तो पास में जाकर देखो कितना मस्त लग रहा है। वाह भाई, और उसको दूर से ही देखने में इतना बड़ा मजा आ रहा है तो पास में जाकर कितना आनंद लगेगा गाइस। तो चलिए मैं पास में ही दिखाता आप लोगों को फटाफट। तो देख सकते हो गाइस कितनी, गाइस एक की लाइन में इतने बड़े बड़े गणेश जी है। और देख सकते हो जो गणेश जी अभी अपन ने देखा, ये गणेश जी देखा और उसके पीछे ही एक जस्ट पीछे गणेश जी बिठाए गए, देख सकते हो ये भी कितने बड़े हैं। देख सकते हो गाइस वहाँ भाई ये भी बहुत सॉलिड लग रहे, कितने बड़ी प्रतिमा है देख सकते हो गाइस। को दिखा पा रहा हूँ कि मतलब जो मेरे पीछे गणेश जी देख रहे हैं और जस्ट उसके सामने ही एक गणेश जी बिठाए गए जिसको मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। तो एक ही लाइन में गाइस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक ही लाइन में गणेश जी बिठाए गए लाइन से। अभी हम जहाँ पर है इसको भागल कहा जाता है, भागल वाले गणेश जी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो अभी अपन ने जो वीडियो में दो गणेश जी देखे वो भागल के थे। तो चलिए आगे देखते हैं अभी आगे कौन से गणेश जी अपन को देखने के लिए मिलेंगे। तो देख सकते हो गणेश जी के पास फिर हम लोग पहुँच चुके हैं। गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाला है और सब गणेश जी का ही दर्शन आप लोगों को करने को मिलेगा वीडियो में। तो देख सकते हो गाइज कितना शानदार लग रहा है। वाह भाई, देख सकते हो सब देखने वालों की भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ पर भी, सब लोग मतलब जल्दी से जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। और एक से एक गणेश जी इस साल बिठाए गए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं कि कहाँ पर कौन से गणेश जी बिठाए गए। तो ऐसे ही कहूँगा क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों को गणेश जी के अलावा मैं कुछ नहीं दिखाऊँगा। आज का जो टॉपिक है वो गणेश जी को ही लेके है। वाह, तो देख सकते हो ये भी मतलब देख सकते हो ग्रुप का नाम है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गणेश जी के पास। नाइट में देख सकते हो कितनी बड़ी लाइटिंग लगाई गई है, टेंट नहीं दिख रही मेरे को पर लाइटिंग सब जगह दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है। देखो देख सकते हो पीछे, तो गाइस ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये सिर्फ गणेश जी का दर्शन करने के लिए आज आए हुए हैं। और क्योंकि आज आने का मतलब आपको पता ही है, आज है संडे और संडे के चक्कर में सब गणेश जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हो गाइस ये उनका ग्रुप का नाम, तो गणेश जी देखो कितने शानदार लग रहे हैं। वाह, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके हाथ में मोबाइल नहीं, देखो सब लोग मोबाइल से शूट कर रहे हैं, सब शानदार लग रहा है गाइस। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को देखा है ये जो गणेश जी बहुत सॉलिड लग रहा था, मतलब और मतलब सभी गणेश जी आप लोगों को सॉलिड ही लग रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा जो अभी अपन ने देखा। तो चलिए चलते हैं भी आगे, दिखते भी आगे क्योंकि मैं पहले जा चुका हूँ और मैंने शूट नहीं किया था। तो चलिए चलते भी आगे देखते हैं। और ट्रैफिक देख सकते हो गाइस कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि आज संडे के चक्कर में सब लोग घूम रहे हैं। तो ये गणेश जी है और देखते हैं आज का जो ब्लॉग है गाइस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जो गणपति मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, इतनी भीड़ है कि मतलब वापस आना पड़ा हम लोगों को। देखते भी आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा गणपति मिलेगा देखने के लिए अपन को। इतनी बड़ी लाइन है कि शायद अपन अंदर जा पाए। ओ हो,
यहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर लाइन ही लाइन मिल रही है उनको, तो देखते भी अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं अंदर जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं वापस रिटर्न हो जाऊँगा यहाँ से। देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है और सब लोग वीडियो उतार रहे हैं, और डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है यहाँ का, अच्छा किया है गाइस, देख सकते हो कितना शानदार प्रतिमा लग रही है। दो एग्जिट रोड मतलब रास्ते बनाए गए हैं, जाने के लिए अलग है और निकलने के लिए अलग है, तो अभी अपन दूसरे रास्ते से निकल रहे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे, तो देखते हैं अभी। जैसे गाइज हम लोग अभी घर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरे को नाइट ड्यूटी भी जाना है गाइज, और एक्सटर्नल जो माइक होता है मैंने माइक नहीं लगाया है इसलिए आप लोगों को हवा की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही होगी, तो चलिए गाइज मिलते हैं अभी घर पे ही सीधा। तो गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, रात के अभी तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं, और तो चलिए गाइज अभी निकलते हैं ड्यूटी के लिए। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, और ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।